भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। श्री माता सिद्धदात्री, आइए भक्तगणों, माता सिद्धदात्री की कथा शुरू करें। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, अकाम्य, प्रकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है, अरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशुत्व, वाशित्व, सर्व कामना वशायता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्ध। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण से वह लोक में अर्ध नारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की पूजा कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्प्रियाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के रूप दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ
रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। माँ सिद्धिदात्री की जय।